हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, स्टार्टिंग फ्रॉम 21st ऑफ अक्टूबर टू 31st ऑफ अक्टूबर। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज एंड हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए सैजिटेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, 21st टू 31st अक्टूबर, जनरल मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। यूनिवर्स प्लीज बताइए जनरल मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं, मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस, हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस, 21st टू 31st अक्टूबर, जनरल मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओके सैजिटेरियस, देखिए व्हेन इट कम्स टू योर वर्क, वर्क जॉब बिजनेस करियर, बेसिकली आई फील आप अपने स्किल्स को एक्सपेंड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रेपरेशन चल रही है चीजों को एक्सपैंड करने की। मे बी लाइन ऑफ बिजनेस एक है, सो एक्सपेंशन हो रहा है कि किसी और चीज में भी अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कोई एक स्किल है तो किसी और सर्टिफिकेशन का या किसी और कोर्स में अप्लाई करना ताकि स्किल इनहेंस हो, बढ़े, वो चीज भी हो सकती है। बट किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं ताकि अपना काम का जो स्कोप ऑफ वर्क है वो बढ़ा सके। एंड हो सकता है ट्रैवल, एक किसी और लोकेशन में काम खोल रहे हैं, वो भी चीज हो सकती है। बट ट्रैवलिंग दिख रही है, एक्सपेंशन दिख रहा है, तैयारी दिख रही है एंड सक्सेस दिख रहा है, आगे बढ़ रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, कोई चीज में ऑलरेडी सक्सेसफुल थे, हैं एंड कोई नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं। लर्निंग, एजुकेशन, स्किल, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। ओके, व्हेन इट कम्स टू मनी, आई फील आपको अगेन नई जॉब मिल रही है, नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। आपने या तो कोई विश करी थी अच्छे पैकेज वाली जॉब की, या फिर कोई अच्छे क्लाइंट की, कोई प्रोजेक्ट, कोई डील की, एंड वो आपको मिल रही है। सो व्हाइल यू आर ट्राइंग टू एक्सपैंड योर नॉलेज एंड ट्राइंग टू एक्सपैंड योर स्किल्स एटसेट्रा, आप ऑल यू आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग लाइक अ न्यू प्रोजेक्ट। तो वो एक्सपेंशन के साथ साथ नई चीज भी आपको मिल रही है एंड उस नई चीज के थ्रू आपको पैसा भी मिल रहा है। सो वो आपका पैसे वाली जो चीज है वो नई जॉब एंड नए क्लाइंट के थ्रू पूरी हो रही है। ठीक है, आई फील काफी टाइम से आप वेट कर रहे थे किसी चीज का, ये जॉब का, पैसे का, अपॉर्चुनिटी का जो आपको मिल रही है, इस स्किल के एक्सपेंशन का, काफी टाइम से आप वेट कर रहे थे। एंड वो वेटिंग एनर्जी मुझे अभी भी दिख रही है कि आप वेट कर रहे हैं एंड वो आपका लाइक वो वेट कर रहे हैं एंड देन आपकी वो वेट पूरी हो रही है कि हाँ जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे वो चीज आपको मिल रही है। तो वो वेटिंग एनर्जी इज प्रॉब्ली कमिंग टू एन एंड। देखिए हैंग्ड मैन है हमारे पास, तो वेटिंग एनर्जी ऑफ कोर्स इट इज देयर। ओके, आई फील आपका अपॉर्चुनिटी, करियर, एक्सपेंशन, मनी, वो सब अपनी जगह है, बट ये जो वेटिंग एनर्जी है ना, ये शायद आपकी ये मैरिज से रिलेटेड है। आई फील आपकी मैरिज में ना काफी कंफ्यूजन है, काफी चॉइसेस हैं, काफी डिलेमा है, वेदर यू शुड गो फॉर दिस और वेदर यू शुड गो फॉर दैट। आप अपनी मैरिज में रहना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए, आपका जो पार्टनर है वो अच्छा है या बुरा है। तो एक वो होता है ना कि वेट करना कि कब चीजें बेहतर होंगी, वेट करना कि कब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी मेरी मैरिज में, या कब चीजें हेल्दी हो जाएंगी मेरी मैरिज में। तो वो एक वेटिंग एनर्जी मुझे दिख रही है
एंड दैट वेटिंग एनर्जी इज नॉट कमिंग टू एन एंड. लाइक यू आर स्टिल वेटिंग कि कब चीजें सुधर जाएंगी, कब चीजें मेरी मैरिज में अच्छी हो जाएंगी, टॉक्सिसिटी कब खत्म होके एक हेल्दी रिलेशनशिप आ जाएगा. तो आई फील वो जो एक सैक्रिफाइस था ना, आपने सैक्रिफाइस बहुत करा है अपने मैरिज में, उस सैक्रिफाइस का रिटर्न कब मिलेगा आपको, उस चीज का वेट करना कि मुझे भी तो चाहिए कुछ, मैंने इतनी चीजें एफर्ट्स डाले हैं, टाइम मनी एनर्जी, मनी नहीं सॉरी टाइम एनर्जी डाला है, इन्वेस्ट करा है, तो मुझे भी तो कुछ रिटर्न में चाहिए. तो वो चीज का वेट करना कि कब मिलेगा कब मिलेगा, बट वो नहीं मिल रहा है. एंड आई थिंक वो एक वेटिंग एनर्जी आपकी चल रही है. एंड प्लस देयर इज आल्सो दिस कंफ्यूजन एंड डिलेमा कि आपकी मैरिज में आपको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, बाहर एग्जिट कर लें रहें एटसेट्रा एटसेट्रा. प्लस देयर आर ऑल्सो दीज ब्लॉक्ड इमोशंस. ठीक है, सॉरी तबीयत ठीक होके अभी ठीक भी नहीं हुई है प्रॉपरली, तो ये चलता रहेगा. देर आर ऑल्सो दीज ब्लॉक्ड इमोशंस एंड कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन दिख रही है, जहां पे आप दूसरे को कुछ बोलना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट आप नहीं कर पा रहे हैं. तो आपके माइंड ने ना आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है इन टू बिलीविंग सर्टन थिंग्स दैट यू आर हैप्पी, और मे बी इन टू बिलीविंग दैट दिस इज इट एंड दिस इज वॉट यू विल गेट. ठीक है, तो आप इंस्टेड कि आप उस चीज से बाहर निकलें और बोलें कि नहीं आई वॉन्ट लाइक अलॉट मोर फ्रॉम दिस रिलेशनशिप एंड आई डिजर्व मोर, आप उस चीज में फंस से गए हैं. आपको आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं यही है जो है, तो वो थोड़ी सी मुझे चीज दिख रही है. ब्लॉक्ड इमोशंस, डर कि अकेले रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, अगर इस रिलेशनशिप से बाहर निकल गए तो कोई और के साथ नया रिलेशनशिप नई मैरिज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो वो थोड़ा सा ऑप्शंस चॉइसेस डिलेमा कंफ्यूजन, एक जगह बंदी बन के रहना लाइक बंद के रहना, वो चीज मुझे दिख रही है. ऑल्सो मुझे लग रहा है कि पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, देखिए कोई इंसान है जो आपके सामने इल्यूजन्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा दैट एवरीथिंग इज वेरी नाइस एंड आई एम इन लव विद यू एंड यू नो थिंग्स आर गुड एटसेट्रा एटसेट्रा, बट रियलिटी उसके कंप्लीटली ऑपोजिट हो. तो थोड़ा सा आपको वो जो ट्रिक्स प्ले करने की कोशिश करेगा दूसरा इंसान, या इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेगा, या आपकी इनसिक्योरिटी पे प्ले करने की कोशिश करेगा, आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा नेक्स्ट 10 डेज में. आप ये नहीं कह सकते हैं कि अपनी आंखों के आगे पर्दा डाल लें कि हाँ ठीक है जो हो रहा है सो हो रहा है, यू नो लाइक यू विल हैव टू बी अलर्ट, यू विल हैव टू पे अटेंशन टू द हिंट्स टू द ड्रीम्स टू द इंट्यूशन. तो आपको इंट्यूशन होगी, आपकी गट फीलिंग आपको बहुत कुछ बताएगी, आपके ड्रीम्स आपको बहुत कुछ बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा उन पे. जरूरी नहीं है कि जो इंसान आपको कोई इंसान आपको जो भी पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपके सामने कुछ पेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस चीज को मान लें, फेस वैल्यू पे मत जाइएगा. ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार आप डिसीजन ले लेना आगे बढ़ने का, प्रोग्रेस करने का, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैस्प करने का, ग्रैब करने का, सॉरी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का, एंड जहां पे आप फंसे हुए हैं, जो कंफ्यूजन है एंड हैंगमैन एनर्जी है, या जो दूसरा इंसान आपके सामने इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो ये सारी चीजें कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि आपको कहाँ कहाँ एक्शन लेना है, क्या क्या करना है. ये हो सकता है बताया जा रहा है, बट नहीं भी हो सकता है. अगर आप इनके टूवर्ड्स कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो ऑफकोर्स ये सारी चीजें नहीं होंगी, राइट. आई फील अगर आप कोई एक्शन लेते हैं इन चीजों के टूवर्ड्स एंड कुछ अपनी तरफ से कोई स्टेप लेते हैं चीजें सुधारने के लिए या चीजें थोड़ा सा चेंज करने के लिए अपनी लाइफ में, तो आपको जस्टिस मिल सकता है. अपनी तरफ से अगर आप एक स्टेप लेंगे टू मेक थिंग्स बेटर इन योर लाइफ, अपना आपका जो गुस्से का पैटर्न है लेट्स से,
या योर इमोशनल डिपेंडेंसी, या हाउ यू डील विद सर्टेन थिंग्स एंड हाउ सून लाइक हाउ इजिली यू गेट एजिटेटेड. तो ये सारी चीजें अगर आप अपने अंदर इम्प्रूव करेंगे तो आपको जस्टिस मिलेगा. आई फील आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में, आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आपको जस्टिस मिलेगा. जितना आपने दिया है उतना ही आपको वापस मिलेगा. एक बैलेंस्ड अप्रोच रहेगी आपकी लाइफ में. जस्टिस आपको मिल रहा है, बट फॉर दैट यू विल हैव टू डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल. लाइक यू विल हैव टू वर्क ऑन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल. आप ये नहीं सोच सकते कि किसी चीज पे काम नहीं करेंगे और जस्टिस मिल जाएगा. तो इक्वल इक्वल चीजें हो रही हैं आपके साथ. आप दो कदम लेंगे, दूसरा भी दो कदम लेगा. आप कहीं पे एफर्ट डालेंगे, आपको रेसिप्रोकेशन मिलेगा. आप मेहनत करेंगे, पैसे मिलेंगे. बट उसके लिए बाकी सारी चीजें भी आपको करनी जरूरी हैं. तो बैलेंस्ड अप्रोच है, इक्वल है, गिव एंड टेक है, बट लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर रिक्वायर्ड बिफोर ऑल, लाइक बिफोर जस्टिस एंड जो एक फेयर चीज है आपके साथ हो के. हेल्थ को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है आँख से थोड़ा ध्यान रखिएगा. और कोई ऊंची चीज पे दिवाली की सफाइयों के लिए कहीं कुछ अलमेरा लॉफ्ट में से कुछ निकालना है तो चढ़ गए वो मत करिएगा. कुछ गिर सकते हैं सीढ़ी वगैरह से. माइग्रेन हो सकता है, साइनस हो सकता है, सर्वाइकल साइनस नहीं सॉरी सर्वाइकल माइग्रेन, आग, ऊंचाई, इन चीजों का ध्यान रखिएगा. ठीक है, अब हम देखते हैं टीली फॉर्चून डेक से क्या मैसेजेस हैं हमारे पास फॉर सैजिटेरियस. बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हीलिंग से रिलेटेड, रेकी, क्रिस्टल्स, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, एक्ने, गट रिलेटेड इश्यूज हैं आपको, इनडाइजेशन है आपको, या सर्वाइकल है, साइनस है, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं जैसे कि फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया, फियर ऑफ आइसोलेशन हो गया, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी, क्लैरिटी की कमी, रिलेशनशिप ट्रॉमाज है, चाइल्डहुड ट्रॉमाज है, तो ये सारी चीजें इसलिए होती है बिकॉज आपके चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं. अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू. डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक. आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी चूज कर सकते हैं, आप रेकी हीलिंग सेशंस भी करवा सकते हैं मुझसे, जो भी आपको कन्वीनियंट हो. अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दे सकती हूँ. अगर आपको अपना ऑरा क्लेंस करवाना है, तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है या नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट करती हैं, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं. अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड यू वांट टू कट कॉर्ड्स, ठीक है, तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं. इफ यू वांट टू फिगर आउट कि आप अपनी लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे हैं अभी, आपका ऑरा किस कलर का है, आप हील कर रहे हैं या किस स्टेज से अभी गो थ्रू कर रहे हैं, ऑल्सो आपका जो चक्रा है वो कौन सा सबसे ज्यादा वीक है, तभी वो अफेक्ट हो रहा है, तभी तबीयत खराब हो रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये हम ऑरा स्कैनिंग के थ्रू देख सकते हैं. बट ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन हीलिंग प्रैक्टिसेस में बिलीव करें कि हाँ ये काम करेंगी, एंड आप पेशेंस रखें. अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए एंड यू फील के मंडे को हीलिंग सेशन हुआ एंड फ्राइडे तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, या नेक्स्ट फ्राइडे तक 2 हफ्ते में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, देन दैट्स नॉट पॉसिबल. वो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ. हीलिंग है, मैजिक स्पेल नहीं है, ठीक है. तो क्विक रिजल्ट अगर आप सोच रहे हैं देन हीलिंग इज नॉट फॉर यू. आप अपना टाइम, मनी, एनर्जी एज वेल एज हीलर का टाइम एनर्जी वेस्ट करेंगे. तो अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए तो आप किस कोई और चीज ऑप्ट कर सकते हैं, बट हीलिंग के लिए पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके यूनिवर्स, प्लीज बताइए सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं. करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी. 21 to 31 अक्टूबर सैजिटेरियस के लिए मैसेजेस. करियर, हेल्थ, वेल्थ, मनी. बैरल, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स. देखिए सैजिटेरियस, हो सकता है आपको किसी टाइम पे नेक्स्ट 10 डेज में ये फीलिंग आए कि हाँ ठीक है, ये चीज तो है बट ये नहीं है, या ये चीज तो है बट ये नहीं है. तो
तो थोड़ा सा आपका जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, वो आपका इस तरफ जा सकता है कि क्या नहीं है लाइफ में। प्यार है, पैसा है, बट गोल्स नहीं है, तो वहां पे जाएगा ध्यान आपका। तो आई फील यहाँ पे थोड़ा सा लैक माइंडसेट हो रहा है आपका, जो चीज नहीं है उस पे फोकस जाना। आई थिंक दिस इज वेरी नेगेटिव एंड आपको ये चीज खत्म करनी चाहिए, आपको ये चीज चेंज करनी चाहिए नेक्स्ट 10 डेज में, बिकॉज ये मैनिफेस्टेशन का कंप्लीटली ऑपोजिट होता है एंड ये अच्छा नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, सो इवन इफ यू फील दैट समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, उस चीज को चेंज करिए, एटीट्यूड को चेंज करिए, थॉट प्रोसेस को चेंज करिए एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट ऑल यू हैव। स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल कि हाँ ठीक है, प्यार नहीं है, पैसा नहीं है, तो क्या हुआ, बाकी सारी चीजें हैं, फैमिली है, स्टेबिलिटी है, दिमाग सही है, खाने के लिए है, अच्छा खाना मिलता है, यू नो लाइक अच्छा सारी चीजें बरकत है। तो जो चीज है उस पे फोकस करिए, थोड़ा ग्रेटफुल होइए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कौन सी छोटी चीजें नहीं है। ओल्डर मैन यंगर वुमेन, देखिए कोई बड़ा इंसान हो सकता है एज में बड़ा, एंड कोई एक वुमेन हो सकती है जो एज में छोटी हो। इनके साथ प्रोफेशनल डीलिंग या पर्सनल डीलिंग काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है नेक्स्ट 10 डेज में, काफी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं ये लोग। पर्सनल फैमिली कोई हो सकता है, या फिर ऑफिस या प्रोजेक्ट, या यू नो लाइक कोई क्लाइंट हो सकता है। तो वो थोड़ा सा आप देखिएगा कि कैसे ये इंसान सिग्निफिकेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, बट ये दोनों लोग काफी सिग्निफिकेंट है, बड़ा आदमी छोटी औरत एज में। सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, न्यू जॉब, करियर, इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, फाइनेंशियल पिंच, देखिए पैसे को लेकर नुकसान हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। आप थोड़ा सा अपना स्ट्रीमलाइन करिए फाइनेंसेस, ठीक है, कहाँ पे कितना लगाना है, किसकी बात में आना है, कौन बोल रहा है कि हाँ यहाँ लगा दो, तो आपने उसके बोलने से पैसा लगा दिया। थोड़ा सा ध्यान रखिए किसकी बात में आ रहे हैं, हो सकता है कोई बहुत करीबी इंसान हो, उसका सोच के, उसका सुन के आप कहीं पे पैसा लगाओ और पैसे का नुकसान हो जाए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दूसरे को आप कितना ब्लेम कर लोगे ना, पैसा तो आपने लगाया है, तो दूसरे को आप ये नहीं बोल सकते कि उसकी गलती की वजह से आपके पैसे का नुकसान हुआ। वेरी कन्वीनियंट, यू चोज टू इन्वेस्ट द योर मनी देयर। ठीक है, न्यू जॉब करियर, नया जॉब करियर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके पास, अब वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं या नहीं करते हैं वो कंप्लीटली आपके ऊपर है, बट नई अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर मनी, न्यू जॉब टू अर्न मोर मनी, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 10 डेज में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं चीजों को लेकर, कि क्या डिसाइड करें, किस तरफ जाएं, क्या करें, क्या नहीं करना है, तो समझ ना आए आपको, एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ डिसीजन आप बस लाइक यू, आप बस फ्लो के साथ चलो कि ठीक है जो हो रहा है होते रहने देते हैं, अभी मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कोई डिसीजन लूं या मैं कुछ चूज करूं, ये या कुछ, यू नो लाइक थोड़ा इनडिसाइसिव हो गया आप, एंड आपको लगेगा कि आई कांट राइट नाउ, आई कैन नॉट डील विद ऑल दिस थिंग, तो जो चीज जैसे चल रही है वैसे ही चल लेने दो। सो लाइफ जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ती जा रही है बढ़ते जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास अभी हिम्मत नहीं है ये सब करने की, तो ये वाली थोड़ी सी मुझे वाइब दिख रही है नेक्स्ट 10 डेज में आपकी। मोर और लेस यही मैसेजेस थे मेरे पास यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।